गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को सबसे पहले शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है आज का। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि यहाँ कुवैत में, जैसे कुवैत या सऊदी कतर किसी भी कंट्री में, जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि यहाँ पे तस्वीर लेना, वीडियो बनाना ये अलाउ नहीं है, और कुछ लोग वीडियो बना देते हैं और अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो बहुत ही बुरा हो जाता है उनके खिलाफ। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एक बंदा आज पकड़ा गया यहाँ कुवैत वगैरह में। तो बहरहाल मैं कुवैत में हूँ और यहाँ पे एक कंपनी है, तो वहाँ पे लिखा था वीडियो बनाना नॉट अलाउ, वीडियो इज नॉट अलाउ फॉर द, यानी कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो बस इतना साफ साफ समझ लीजिए। गैस, वो बंदा फोटो खींच रहा था या कुछ कर रहा था, तो बाद में पता चला कि वो बंदा वीडियो बना रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया है और अभी देखते हैं क्या होता है। और पता चला है कि पुलिस वगैरह आएगी। तो बहरहाल कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पे जिसने कहा है कि पुलिस वगैरह को नहीं बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई वीडियो डिलीट कीजिए, अगर आपने वीडियो वगैरह बनाई है तो पहले आप वीडियो डिलीट करें, फिर उसके बाद माफी मांगे और दोबारा कभी भी यहाँ पे वीडियो ना बनाए। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सऊदी, कतर, ओमान किसी भी कंट्री में जाते हो तो थोड़ा वीडियो का ध्यान दीजिए, व्लॉग के चक्कर में थोड़ा आप लोग बच के रहिए, क्योंकि व्लॉग के चक्कर में आपको जेल भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको अपने देश जाना पड़ सकता है अगर पुलिस वगैरह आ गई तो। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कानून को मानते हैं लोग और कानूनी सब कुछ यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे हो तो किसी भी कंट्री में हो तो आपको कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून ही सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, कानून कानून होता है इस कंट्री में। तो बस मुझे आपसे इतना कहना था। और अगर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं थोड़ा हटके बनाइए, कहीं दूसरी जगह जाइए, जैसे समुद्र साइड हो गया या बिल्डिंग यानी सिटी वगैरह हो गया। आप लोग ऐसी जगह मत बनाइए जहाँ पे किसी जगह पे अलाउ नहीं होता है, जैसे ज्यादातर यहाँ पे मिनिस्ट्री वगैरह होती है, जैसे गवर्नमेंट वगैरह की जगह होती है। और गाइस, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, और जैसे हमारे यहाँ कंपनी में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूँ। अगर कोई पूछेगा तो भाई क्या कर रहे हो, मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा, वो नहीं समझता है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी मैं ये काम करके, जैसे कि मुझे कोई काम दे दिया बॉस ने और मैं वीडियो बना के मैं उसको दिखाऊंगा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं इधर काम करता है वो क्या, वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, बस बात यही है। और अगर कोई बाहर का बंदा वीडियो बनाएगा तो उसके खिलाफ बहुत ही सजा हो सकती है, कड़ी सजा हो सकती है, उसको पकड़ कर लेंगे, मोबाइल ले लेंगे और उसको पुलिस के द्वारा उसको जब्त तो कर देंगे, यानी कि पुलिस को बुलाकर उसको दे देंगे। और यहाँ पे पुलिस भाई बहुत ही जल्दी आ जाती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो बना तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बस मुझे आपसे इतना कहना था। तो गाइस, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरी कंपनी के सामने यहाँ पे रोटी वगैरह बनती है, यहाँ पे वजारा बोलते हैं, गवर्नमेंटों का होता है, और वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे तस्वीर लेना अलाउ नहीं है। तस्वीर यानी बोल सकते हैं फोटो खींचना या कुछ भी मोबाइल के द्वारा आपको ऐसी घटना नहीं करनी है कि आपको प्रॉब्लम हो सके। तो मैंने एक बार सोचा था कि वीडियो बनाने को, लेकिन मैंने पहले देख लिया था कि भाई यहाँ पे तस्वीरें लेना अलाउ नहीं है, फोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो बहरहाल अपने लिए अच्छा है क्योंकि उसने पहले भी लिख दिया है कि आप यहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते हो किसी भी तरह का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो कि रेगुलेशन है, हम लोग यहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते हैं, जो सामान लेने आए हैं वो ले लें बस, और कुछ भी नहीं करने को ऐसे कि जिसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। और जैसे यहाँ पे रोटी मिलती है तो वहाँ पे पहले लिख दिया गया है आप लोग बस अपना सामान लीजिए और जाइए, यानी कि ये नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि बस अपना काम कीजिए और जाइए, और यहाँ पे कोई भी फोटो वगैरह मत दीजिए, उसने साफ साफ लिखा है। तो बस मैंने आपसे ये कहा है कि आप लोग यहाँ पे आइए, या अगर आप लोग यहाँ पे हो तो आपको बस इतना ध्यान देना है, बस मुझे आपसे बस इतनी इतनी ख्वाहिश थी कि बस मुझे आपसे इतना कहना था कि आप लोग थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए, किसी भी तरह की आपको ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपसे इतना कहना था कि आप लोग यहाँ पे रहिए अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से आइए, किसी भी तरह की गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे गलतियों को बहुत बड़ी गलती मान लेते हैं। तो मुझे बस इतना कहना था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को पूरी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ नहीं रहे हैं, और जो कि व्यू भी बहुत ही डाउन हो चुका है, पता नहीं क्यों, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है गाने के बारे में, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंटों का आंसर जरूर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ, मुझे सब देखना पड़ता है, और ज्यादा काम की वजह से मैं आपका कमेंटों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ। जब भी मेरे पास कभी टाइम रहता है तो मैं आपको जवाब जरूर देता हूँ, और जाके देख सकते हो जितने भी लोग हैं, मैं 80% से ज्यादा लोग का जवाब दे देता हूँ, और बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। मैं सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मेरे चैनल पे थोड़ा मोड़ा व्यू आ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।